क्या हाल चाल है जी सबके दोस्तों, कैसे हो? और मेरी सहेलियों और मेरे बच्चों, यानी कि जो 20-22 साल के होते हैं वो हमारे बच्चे जैसे ही होते हैं, बच्चे जैसे ही हैं। तो भाई बता दिया करो कमेंट करके क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, और मेरे भी हाल चाल पूछ लिया करो, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, समझ गए। तो जिसकी जिन लोगों की स्किन सर्दियों में सूखी सूखी रहती है और बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे जान ही नहीं है, है ना, और पूरा ऐसा सूखा जैसे कि छुआरा नहीं हो जाता सूखने के बाद, हम ज़्यादा करके खास करके मेरे एज के लोगों की है ना। वैसे तो दोस्तों ड्राई स्किन किसी की भी हो सकती है, वो मतलब बच्चों की भी हो सकती है, बड़ों की, सभी की होती है, और ऑयली स्किन भी हर किसी की एज किसी हर किसी एज की होती है ना। तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सूखी स्किन है, सूखा चेहरा, चाहे वो हाथों की हो पैरों की हो, कई बार आपने नोट करा होगा कि ज़रा सा भी अगर हम ऐसे करते हैं कहीं किसी भी जगह, चाहे पैर पे, चाहे हम ऐसे यहाँ पे तो एकदम सूखा ऐसे लाइन से नहीं बन जाती, एकदम सूखा। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत सूखी स्किन होती है, और वो ज़्यादा सूखी स्किन, भाई मैं ये वीडियो आप सभी के लिए उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहते हैं अपनी स्किन का, अपनी ब्यूटी का, अपने चेहरे का, समझ गए। मैं आप सभी के फ़ायदे के लिए बताती हूँ, मैं इतना खुद इतना नहीं करती, समझ गए, मैं अपना खुद इतना ध्यान नहीं रखती, मगर मैं जो भी मुझे बढ़िया चीज़ें मंगाते हैं हम, ठीक है, चाहे मैं उसे कम लगाती हूँ, कम यूज करती हूँ, कभी कभी यूज करती हूँ, पर मैं उसकी जैसे ही सर्दी स्टार्ट होंगी नवंबर के महीने से, अक्टूबर के महीने से मेरे होंठ सूखने लगेंगे और सारी स्किन और मेरी एड़ियाँ फटने लगेंगी, है ना। तो ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो मैं पहले उससे पहले मैं ये बता दूँ कि स्किन ड्राई नहीं रखनी चाहिए, वैसे मेरे एज के लोगों को तो रखनी नहीं चाहिए, अगर शौक है तो। भाई हमारी अब इस एज में हमें ना शौक ख़त्म हो जाते हैं हमारे, समझ गए, जब एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है ना तो हमें शौक ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों को शौक है उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों को, जिन लोगों को खूबसूरत रहने का, खूबसूरत लगने का, बहुत ज़्यादा यंग दिखें हम और बहुत लॉन्ग टाइम यंग दिखें, उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, आलसी लोगों के लिए नहीं है, मेरे जैसों के लिए, है ना। हम आलस करते हैं हर चीज़ का कि हाँ ठीक है ना, चल जाएगा। तो जिन लोगों को अपने चेहरे का और अपनी बॉडी का और हर चीज़ का ध्यान रखने का शौक है, समझ गए, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने का शौक है, वो मेरी वीडियो, हर वीडियो देखा करो मेरी, क्योंकि मेरी हर वीडियो पूरी सिर से लेके पैर तक सेहत के लिए और ब्यूटी के लिए होती हैं और दिमाग के लिए होती हैं, समझ गए। तो दोस्तों उन सभी के लिए मैं एक ऐसी क्रीम बता रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, आप कहीं से भी मंगा लेना, जहाँ से भी आपका दिल करे, जैसे कि भाई आप चाहे ऑनलाइन मंगा लेना, चाहे आप किसी दुकान से ले लेना, ठीक है, नायका से, अमेजोन से, या कहीं आपकी शॉप को जान पहचान जो भी हो, कहीं से भी ले लेना, उन सभी के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा, हाँ, ड्राई स्किन को दोस्तों मेरी एज में खास करके स्किन को ड्राई इसलिए नहीं रखना चाहिए, कि जितनी ज़्यादा हम स्किन को ड्राई रखेंगे, हमारी स्किन ड्राई है और वो ड्राई रहेगी, उस पर हम कुछ मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगाएंगे जिससे उसमें अंदर नमी रहे और वो ड्राइनेस ख़त्म हो, तो अगर नहीं करेंगे लॉन्ग टाइम तक हम ऐसा, तो हमारे चेहरे पर झुर्रिये पड़ जाएंगी, जैसे कि मेरे पड़ी हुई हैं, समझ गए, देख रहे हो ना, है ना। क्योंकि मैं भी नहीं करती, लगाती हूँ, मेरी बेटी मुझे मंगा कर देती रहती है, समझ गए, और मैं आलस करती हूँ लगाने का करने का, है ना। तो उन सभी लोगों को वैसे तो यंग को भी ध्यान रखना चाहिए, जब तुम अभी से ही ध्यान रखोगे तो थोड़ा जल्दी से एकदम से झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, अगर मॉइस्चराइज़र हम अपनी स्किन को रखेंगे ना, हम मॉइस्चराइज़र रखेंगे स्किन को, नमी रखेंगे अपनी स्किन पर, तो जल्दी से रिंकल्स झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी स्किन पर, समझ गए। तो इसलिए हमें अपनी स्किन को नमी, अपनी स्किन को एकदम से वो रखना है, गिल्ला रखना अपनी स्किन को, सुखाना नहीं अपनी स्किन को। तो जिनकी बहुत ज़्यादा सूखी हुई त्वचा है, सूखी हुई स्किन है, चाहे वो फेस की हो, चेहरे की हो, हाथों की हो, पैरों की हो, कहीं भी, इसे चाहे पूरी बॉडी पर, चाहे खाली आप ओनली फेस पर, हाथों पर, समझ गए। वैसे हाथों के बॉडी के लिए मैं अभी दूसरी दिखाती हूँ,
तो ये दोस्तों ओनली आप अपने हाथों पर या अपने ओनली अपने फेस पर भी, जहाँ भी आपको लगे कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राई सा आपका फेस है, उन लोगों के लिए सर्दियों में ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया वरदान समझ लो, बहुत ही रामबाण समझ लो, बहुत ही केयरफुल क्रीम है दोस्तों ये, ठीक है। इसे आपने मैंने बता दिया, जहाँ से मर्जी मंगा लो, रेट अप डाउन होते रहते हैं दोस्तों। मेरी वीडियो को देखकर आपने अपना गूगल करना है, वहाँ पर इसका नाम लिखकर डालना है, सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे उसमें कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स भी बताने लग जाऊँ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसे आप लोग देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैसे भी इतनी जो मैं बता रही बातें, इनको भी पूरा ध्यान से आप नहीं सुनते हो, नहीं नोट करते हो, है ना। अगर पूरा ध्यान से मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को लाइक भी करा करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को शेयर भी करो दोस्तों, तो मेरी जो भी मैं इतनी सेहत से पूरी की पूरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यानी कि आपकी बहुत ही काम की वीडियो जो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, वो सारी वीडियो का लिंक आपको फटाफट उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलती क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और पूरी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो सारी मेरे चैनल पर पूरी ज़िंदगी को एकदम से ज़िंदगी को जीने वाली हैं मेरी सारी वीडियो, ज़िंदगी को कैसे आसान बनाएं, ज़िंदगी को कैसे हम अपनी सेहत को सही रख सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को सही रख सकते हैं, ऐसी वीडियो सारी मेरे चैनल पर जाओ और ऐसे इंस्टॉल ऐसे करो, जो भी आपको लगे कि हमें चाहिए वही वीडियो को आप देखो पूरी को, और देखो पूरा वॉच करो, फुल वीडियो को देखो और पूरी वीडियो को लाइक भी करो आप फिर, है ना। ओ माई गॉड, रेट है दोस्तों इसके 899, पर जब भी आप पता नहीं कौन से कब किस टाइम लेते हो दोस्तों, उस टाइम के हिसाब से रेट अप डाउन होते रहते हैं, सेल लगती रहती है, ठीक है ना। रेट अपने आप अपना जब गूगल करोगे, मैंने बता दिया ना कि गूगल कर लिया करो, मेरी वीडियो को देखकर गूगल कर लिया करो, जो भी चीज़ होती है उसका नाम लिख के डालो, सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या पड़े हुए हैं, ठीक है, और सारे रेट वेट सब कुछ आ जाएगा। तो और ये इतनी मैं लगा कर दिखाती हूँ दोस्तों अभी आपको, और इसका कलर ब्लू कलर है, इतना प्यारा कलर है दोस्तों, ये देख लें आप, इतना प्यारा कलर है इसका, और इतनी क्रीमी है, इतना मॉइस्चराइज़र है इसका, यानी कि जैसे कोई नॉर्मल क्रीम होती है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा मॉइस कर देगी आपके फेस को, गिल्ला कर देगी, यानी कि ये ऐसी है, इसको लगा आप, इसको क्रीम को लगाओ ना तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि हम अभी नहा कर आए हैं, या फिर हम अपने फेस को वॉश करके आए हैं अच्छे से, यानी कि जब वॉश करने के बाद चेहरा कैसा लगता है बिना पानी साफ़ करे हुए, वैसा लगेगा इससे चेहरा, एकदम ऐसा गीला गीला फील होगा, और बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया नॉर्मल क्रीम से 4 गुना ज़्यादा आपके चेहरे को मॉइस्चराइज़र रखेगी आपकी स्किन को, और 24 घंटे मॉइस्चराइज़र रखेगी। अगर आप रात को इसको लगा कर सो जाते हो तो सुबह तक आपको ऐसा चेहरा गीला गीला लगेगा आपका, समझ गए। तो दोस्तों इसे मैं आपको, यानी कि आपने कभी भी जब भी आप लगाओ फेस को तो साफ होना ही चाहिए, है ना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत टाइम तक लगी रहेगी और ये खुद ही ऑलरेडी इसमें इतनी मॉइस्चराइज़र है, उस मॉइस्चराइज़र के साथ में नमी के साथ में ये आपकी स्किन जो भी गंद आपके चेहरे पर वो अंदर ना जाए, इसलिए चेहरा जब भी आपका साफ होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप घर में हो तो कोई बात नहीं है, घर में तो बंदे का चेहरा साफ ही रहता है ना, मगर जैसे हम बाहर जाते हैं दोस्तों कहीं भी, तो धूल मिट्टी या फिर हम अपने घर में अगर कभी झाड़ू उड़ू लगाई है, कुछ करा है, काम करा है, तब भी हम वो हो जाता है हमारे चेहरे पे, इस तरह से इतना सा लेना, जरा सी लगती है, ज़्यादा लगती भी नहीं है दोस्तों, ये ज़्यादा लगती भी नहीं है, ब्लू कलर है इसका, ठीक है, और ऐसे लेनी है, ठीक है। और मैं बताती हूँ आपको दोस्तों, जब भी क्रीम लगाया करो या फेशियल करा करो तो थोड़ी सी देर आपको आपने ऐसे अपने फेस पर ये ऐसे कर लेना है, ताकि हम जो क्रीम लगा रहे हैं वो क्रीम अंदर भी जाए, समझ गए। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे हमारे चेहरे पर जो ये रिंकल्स आते हैं यहाँ से, तो क्रीम के साथ में हमारी ऐसे हल्की सी मसाज हो जाती है दोस्तों, इस तरह से ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो क्रीम भी हमारी अंदर अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और हमारा जो वो है चेहरा इक्वल होगा, प्लेन होगा,
जो थोड़ा सा कहीं से झुर्रिये झाइये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा हमारा, जो लटका हुआ ये चीज़ें लटकी हुई होती है किसी भी क्रीम से लेके आप चेहरे को इस तरह से कर लिया करो, ये कर लिया करो, ऐसे समझ गए, ऐसे कर लिया करो, ऐसे ऐसे लगानी चाहिए क्रीम, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है। तो पहले तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने बिल्कुल जरा सी सी क्रीम ली है आपके सामने, मेरा खुजली भी जाती, जरा सी सी क्रीम ली है बिल्कुल आपके सामने, और आप देख सकते हो कि किस कदर की कितना नमी, बिल्कुल जैसे कि हम पानी में वॉश करके आ रहे हैं चेहरे को, देख रहे हो दोस्तों, ऐसा ऐसा फील होगा, ये देखो इस तरह से। और सारे में गले में ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है, गले में ज़रूर की क्रीम लगानी चाहिए हमेशा, क्योंकि हमारा जो एज जो दिखती है, हमारा जो बुढ़ापा दिखता है वो गले से ही नज़र आता है, समझ गए, गले से, गले में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और अब मैं हाथों पर भी इसको ज़रा सी, बिल्कुल ज़्यादा लगती भी नहीं है, मज़े की बात यह है इसमें, मतलब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादा लगती भी नहीं है। और ये जो कोनी होती है ना दोस्तों, यहाँ पर भी जो काला काला होता ना, इस पर भी क्रीम लगानी चाहिए, कोई सी भी क्रीम, इसको भी मॉइस्चराइज़र रखना चाहिए, गिल्ला रखना चाहिए, ताकि वहाँ से जो मैल वैल होता वो हटे, जब ज़्यादा मॉइस्चराइज़र गिल्ला गिल्ला रहेगा तो मैल हटेगा ना, वहाँ से जमेगा नहीं, बहुत ज़्यादा पक्का और ज़िद्दी नहीं होगा मैल, है ना, समझ गए। तो ये बहुत ही जरा सी सी लगती है, इसका कलर बहुत प्यारा है, और मैंने बता दिया कि जब आप गूगल करोगे तो इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हुए हैं, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे तो इसमें तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी, एक तो इसका कलर बड़ा ही प्यारा कलर है, और एकदम ये इसमें बहुत ज़्यादा गीला नमी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है स्किन को, और बहुत एक ऐसा चमक सी टोन देती है हमारी स्किन पे, और खुशबू इसकी बहुत ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम, मतलब खुशबू भी एकदम ऐसे एकदम वो है, एकदम समझ गए, बैलेंस करके, और बहुत कम लगती है और बहुत ज़्यादा चलती है ये। तो इसकी पैकिंग भी बहुत बढ़िया, और ये डब्बी भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया डब्बी भी, मतलब आप अगर किसी के सामने, आप यार कोई मेहमान या कोई आ जाए किसी के सामने, अगर आप यूज कर रहे लगा रहे हो तो बड़ा ही अच्छा, जैसे कि बड़ी रिच लुक देगा आपको, रिच वो देगा एकदम, मतलब बंदा नोट जो करेगा तो कहेगा कि यार कितनी महंगी वाली क्रीम लगा रहा है, और महंगी तो है ही लग रही है दोस्तों, पर दोस्तों पैसे एक बार हम लगाते हैं ना, जो जैसे कहते हैं ना कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, है ना, तो 800-900 का जैसे ये है ना, वैसे तो डिस्काउंट होगा इस पे, अगर ये इतने की है तो इसकी वर्थ है, मतलब वर्थ है इसकी दोस्तों इतनी, समझ गए दोस्तों। वैसे तो हम होम रेमेडी भी करते ही हैं, लगाते ही हैं, पर कई बार ऐसा होता है ना कि हमें आलस आता है बनाते हुए करते हुए, है ना, तो जिनको आलस आता है ये सब होम रेमेडी बनाते करते हुए, उनको उनके लिए ये चीज़ें बनी हुई है, है ना, तो फटाफट मंगाओ और लो और लगाओ, है ना। तो दोस्तों आप सभी को ये कैसी लगी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, ठीक है, और इसको मंगा कर लगा कर यूज करके मुझे ज़रूर बताना अपना, वो ज़रूर देना फीडबैक, ज़रूर देना मुझे कि आप सभी को भी जो मैंने बताया है पूरे का पूरा दोस्तों 100% रिजल्ट आपके सामने होंगे, और वही बढ़िया होगा जो मैंने बताया पूरा, मैं एग्जैक्टली सही ऐसे ही बताती हूँ सही, ठीक है दोस्तों। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, उसका लिंक भी मैं ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का वीडियो को देखने का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच है।